नमस्कार दोस्तों आइए चलते हैं क्लास एट्थ का जो आठवा पार्ट है सस्ते का चक्कर जिसमें के पढ़ेंगे हम सस्ते का जो चक्कर है वह क्या है तो चलते हैं कि छुट्टी के घंटे की हवा अर्थात जब स्कूल से छुट्टी होती है तो उसकी आवाज़ आती है घंटे की और आठ दस बच्चे एक दूसरे को धक्का देते हँसते चढ़ाते बैग लिए हुए भागते चले जाते हैं जैसे भागते हुए तो बीच बीच में स्टेज के अंदर से फेरी वालों फेरी वाले जो होते हैं गांव आदि में जो कि कुछ बेचने के लिए आते हैं तो उनकी जो मज़ेदार लटके भरी आवाज़ें लटके भरी इस एक लहजापन जो होता है उनमें आवाज़ों में उनकी आवाज़ें जैसे यहाँ उदाहरण दिया है चने कुरमरे चटकारेदार यही तरावटी आइसक्रीम खट्टी गोलियां, खट्टी गोलियां, ठंडा शरबत नींबू संतरे का नींबू संतरे का तो अजय और नरेंद्र आते हैं ये सब आवाज़ें सुन कर के जो अजय और नरेंद्र नामक दो पार्ट हैं सस्ते का चक्कर में तो ये दोनों आते हैं उनकी उम्र जो है नौ दस वर्ष है अर्थात अजय जो है दुबला पतला सा है और नरेंद्र जो है तगड़ा है अर्थात तो उससे बड़ा है और लगातार चटर मटर की आवाज़ करता नरेंद्र चूर्ण खा रहा है तो नरेंद्र कहता है कि अरे अजय तू इस समय नकल करके रोज लेफ्ट राइट पजामा ढीला टोपी टाइट करता है ना अर्थात वह कहता है कि अरे अजय तू तो इस समय नकल करके रोज लेफ़्ट राइट करता रहता है पजामा ढीला टोपी टाइट करता रहता है है ना और आज अभी कैसे डंडी मार दी ना, बच्चों कैसा पकड़ा और ड्रामे से भी निकाल दिया क्या टीचर ने तो ये सब बातें होती रहती हैं और ड्रामे से भी निकाल दिया क्या टीचर ने ए तो कौन कहता है नरेंद्र किससे कहता है अजय से अब अजय कहता है नहीं आज मम्मी की तबीयत कुछ खराब थी मैंने टीचर से कहा तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी मेरा पार्ट मुझे याद भी ए था ना मैंने सोचा मम्मी तो रोज़ मुझे चाय नाश्ता कराती है आज मैं घर जल्दी पहुँच उन्हें चाय बना कर तो कितनी खुश होंगी अर्थात बहुत ज़्यादा कितनी मिस बहुत ज़्यादा खुश वह होंगी कौन अजय कहता है नरेंद्र से अपनी माँ के बारे में तो नरेंद्र कहता है बिना सुने हुए वह उसकी बातों पर गौर नहीं करता सुनता नहीं है कि वाह ले इसी बात पर चूरन खा बड़ा मज़ेदार है लेकिन एक बात बताया आखिर तू सारे दिन इतनी पढ़ाई लिखाई ड्रामा डिबेट की मशक्कत आखिर काहे को करता है कौन कहता है नरेंद्र कहता है कि इतनी मशक्क़त इतनी परेशानी काहे को करता है ए मुझे देख क्या मौज भरी जिंदगी है मेरी वह कहता है कि मेरी कैसी मौज भरी जिंदगी है चूरन चपाटा या सैर सपाटा खेल तमाशा ये सभी उसके जो हैं ड्रामे होते रहते हैं इसके साथ ही एक आदमी थोड़े से लॉलीपॉप बेचता हुआ आता है क्या लॉलीपॉप पचास पैसे में तीन लॉलीपॉप वह पचास पैसे में कितने लॉलीपॉप देता है तीन तो तीन लॉलीपॉप पचास पैसे में तीन इत, ऐसी आवाज़ें करता हुआ एक फेरी वाला या कोई बेचने वाला आता है तब नरेंद्र क्या कहता है चौंक करके अचानक से जो चौंकता है अरे सुना है तूने पचास पैसे में तीन यानी एक रुपये में छः लॉलीपॉप मज़ा आ गया क्या मज़ा आ गया पर मेरे तो सारे पैसे ही खत्म हो गए चूरन चुस्की आइसक्रीम ली सुन तेरे पास होंगे कुछ पैसे दे दे कौन कहता है नरेंद्र कैसे अजय से अजय कहता है नहीं एक भी नहीं है मेरे पास क्या एक भी नहीं है मेरे पास सॉरी अजय कहता है एक भी नहीं है मेरे पास नरेंद्र नर. अरे उधार दे दे वह क्या कहता है अरे उधारी दे दे नरेंद्र नर कहता है उधारी दे दे उधार कल पाँच पैसे ज़्यादा लौटा दूँगा समझ क्या रखा है रुक कर सुन रिक्शे के तो होंगे वही दे दे पैसे अजय कहता है हाँ हैं तो पर रिक्शे के पैसों के लॉलीपॉप खरीद लूँ मैं तो ये चीटिंग होगी अर्थात चालाकी होगी नरेंद्र कहता है अरे बाप रे तू तो हरिश्चंद्र का भी पड़दादा निकला अर्थात कह सकता है कि उससे भी ज़्यादा सत्यवादी जो हरीश्चंद्र था उसका भी पर्दादा उसका भी दादा निकला उसका दादा का भी दादा निकला मांगे पैसे देने लगा सीख शुरू कर दी अपनी महाबोर स्पीच महाबोर मिस सबसे ज़्यादा बोर करने वाले स्पीच मिस भाषण के सबसे ज़्यादा बोर करने वाले भाषण मत शुरू कर मुझे और चुपचाप से पैसे दे दे अर्थात तो वह अब कहता है कि मत दे मत दे ठीक है मैंने फीस नहीं दी आज उसके पैसे तो हैं ही तो नरेंद्र कहता है मैंने अभी फ़ीस नहीं दी है उसके पैसे मेरे पास हैं समझाते हुए देख नरेंद्र तो हमेशा बिना सोचे समझे काम कर डालता है वह उसको समझाता है कि मेरी बात मान इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं मुझे लगता और मुझे लगता है कि या तो यह कहीं से चुरा कर लाया है या कहीं से नुकसान दे खराब माल उठा लाया है मेरी मम्मी कहती है क्या कहती है कि नरेंद्र बात काट करके अब उसकी कहता है बीच में ही कि अरे तो ये जो चिन्ह जो लगा हुआ है यह बिस्मयादि बोधक चिन्ह अरे आह, ओ तो इन सभी के बाद जो चिन्ह लगता है उसे कहते हैं बिस्मयादि बोधक चिन्ह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो कि यूज होता है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फिर तुझे तेरी मम्मी याद आ गई नरेंद्र कहता है फिर तुझे तेरी मम्मी याद आ गई बात मानेगा मेरी कौन सा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा चिन्ह प्रश्नवाचक तो जन तू जरा अपने दूसरे कान से भी तो कुछ काम कर लिया कर अजय अजय कहता है क्या मतलब तेरा क्या मतलब है नरेंद्र कहता है हंस करके एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी समझा अर्थात तो मेरी बातों पर गौर ही नहीं करता अजय समझा अब से तेरी बात के लिए ही यह दूसरा कान काम में लाऊंगा दोनों जोर से हंसते हैं अर्थात वो एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते हैं अब नरेंद्र कहता है सचमुच तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है और इसी से उंगली दिखाकर दुबला सी किया है अर्थात जरूरत से ज़्यादा सोचता है तो इसी उसी से क्या है तू तो? अजय के बारे में नरेंद्र कहता है कि दुबला सी किया दुबला सी किया का मतलब बहुत ज़्यादा पतला है अर्थात बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मुझे देख मैं हट्टा कट्टा हूँ अर्थात तो जैसे बड़ा हूँ और मेरा शरीर भी सही है दारासीन और तो अपने आप को नरेंद्र क्या कहता है दारा सिंह का पट्ठा और रोस्तम हिंद क्या कहता है दारा सिंह का पट्ठा रोस्तम हिंद हंसता है तो अरे देख लॉलीपॉप वाला निकल गया तेरी बातों में अरे वो 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 जा रहा है रुकना भाई हाँ अजय तो ठहर मैं अभी लेके आया और हाँ मैंने अपने रिक्शे के पैसों की तो चूरन चस्की खा ली प्लीज़ अपने साथ ही रिक्शे से लेते चलना मुझे बस अभी आता हूँ जाता है कौन नरेंद्र अजय इधर उधर टहलता बेसब्री से इंतज़ार करता है उसका और अजय कहता है कि इस नरेंद्र को अभी अकल नहीं आएगी सब सड़ी गली चीज़ें खाएगा और बाढ़ से परीक्षा में परीक्षाओं में बीमार पड़ जाएगा आंटी डांटती है तो फट झूठ बोल जाएगा बेचारी आंटी देख अभी तक नहीं आया तो वह सस्ते के चक्कर में क्या है उस चूरे वाले के पीछे पीछे चलता है कौन तो दो तीन बच्चे आते हैं पहला लड़का पहला लड़का होता है अरे अजय तो कब का टीचर से छुट्टी लेके आया था और यहाँ क्या कर रहा है अजय कहता है क्या करूँ मुझे खुद इतनी देर हो रही है कि नरेंद्र कब का उधर लॉलीपॉप लेने गया अभी तक नहीं आया आया ही नहीं उसने मेरे रिक्शे में उसे मेरे रिक्शे में ही जाना था साथ में तब दूसरा लड़का कहता है कौन नरेंद्र उसे तो मैंने काफ़ी देर पहले एक आदमी के साथ पीछे वाले आम के बगीचे में जाते देखा था मैंने पूछा भी तो बोला इसके पास छुट्टे पैसे नहीं वही लेने जा रहा हूँ तीसरा लड़का कहता है कि अरे तू घट जा नरेंद्र को जानता नहीं उसके फेर में फेर मिस होता है चक्कर फेर मिस क्या होता है चक्कर कि उसके फेर में अगर पड़ेगा तो तो अपनी सामता ही समझ सामत मिस परेशानी सामत मिस परेशानी तीसरा लड़का कहता है कि अपनी सामता ही समझ परेशानी आ गई ऐसा समझ ले। आता है तो आ जा मेरे साथ तुझे तेरे घर छोड़ दूँ अगर आता है तो आ जा नहीं तो मैं तुझे तेरे घर छोड़ देता अजय कहता है सोचते हुए नहीं सुभाष तो तीसरे लड़के का नाम क्या था सुभाष मुझे डर है कि कहीं वह आदमी कोई बदमाश तो नहीं लड़कों से वह कहता है कि तुम लोग जरा जरा आओ ना देख जाए देखा जाए कहीं नरेंद्र तो उनको कुछ शंका होने लगती है तो डॉट 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 जो छोड़ा है तो आगे बात चलती है तो वे मन ही मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं तब क्या पहला पहला लड़का जो है वह बोलता है ना बाबा ना ये जासूसी हमें नहीं करनी वैसे ही देर हो गई है मेरी मम्मी मानने वाली नहीं अपन तो चले तो पहला लड़का चला जाता है नरेंद्र की नरेंद्र जाने जैसा करेगा वैसा भरेगा जैसा करना वैसा भरना एक मुहावरा है क्या है एक मुहावरा तो जैसा करेगा वैसा भरता है अर्थात जो कोई भी जैसा कार्य करता है वह वैसा ही बढ़ता है कह सकते हैं कि हम क्यों अपनी जान खतरे में डालें हम क्यों अपनी जान खतरे में डालें पहला लड़का बोलता है तो दूसरा क्या कहता है तीसरे से कि हम चल हम भी जल्दी चलें नरेंद्र के फेर में नरेंद्र के चक्कर में कहीं भी आफत में फंसे तो खैर नहीं बॉय अजय जाते हैं तो जो दूसरा लड़का है और अजय है तो वे भी चलते हैं अजय थका उदास परेशान होकर इधर उधर टहल थेल, टहलता है तो कहाँ गया नरेंद्र आखिर अब तो बहुत देर हो गई वह वहीं पर रुककर उसका इंतजार करता है रास्ता भी सुनसान हो गया स्कूल में भी कोई नहीं किससे पूछूं? तभी अरे यह सर सराहट कैसे हम के बगीचे से ही आ रही है छुपकर बगीचे की ओर चलता हूं आखिर नरेंद्र गया किधर और जाता है तो वह है नरेंद्र के पीछे पीछे और जो कि उधर से आवाज़ आ रही थी उनके बगीचों की तरफ से उधर जाता है तभी नरेंद्र की मम्मी रेखा अजय की मम्मी मैसेज मेहता के घर आती है तो उधर क्या होता है कि नरेंद्र की जो मम्मी होती है रेखा और अजय की मम्मी मिस मैसेज मेहता के घर आती है तो मैसेज मेहता उनसे कहती हैं कौन रेखा जी नमस्ते आइए बैठिए तो वह उसके घर आती है तब रेखा रेखा कहती है घबराई आवाज़ में कि नहीं बैठूंगी नहीं बहन नहीं तो मैं पूछने आई हूँ कि क्या आपका अजय आ गया मेरा नरेंद्र अभी तक स्कूल से नहीं लौटा है तो मैसेज मेहता कहती हैं आया तो अजय भी नहीं आया तो अजय भी नहीं पर उसे सालाना जलसे की प्रैक्टिस में देर हो जाया करती है अर्थात स्कूल में कोई भी जलसा जो होता है उसकी प्रैक्टिस करने में देर हो जाया करती है लेकिन आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी सुबह अजय कह गया था कि टीचर से जल्दी छुट्टी मांग लूँगा शायद टीचर ने छुट्टी नहीं दी होगी और नरेंद्र भी उसके साथ रुक गया हो ऐसा लगता है अब रेखा जो है वह कहती है कि नहीं बहन नरेंद्र ज़रा शरारती है।, है ना और इसी से डर लग रहा है कि देखिए एक बजे छुट्टी होती है और ढाई बज रहे हैं अर्थात बहुत ज़्यादा देर हो गई है तब मैसेज मेहता कहती हैं क्या सचमुच मुझे तो दवा खाकर नींद आ गई थी और समय का पता ही नहीं चला इतनी देर तो अजय को भी नहीं होनी चाहिए थी तभी रेखा कहती है रोने के शर्मा में कुछ कीजिए जल्दी मैसेज मेहता मैसेज मेहता हाय मेरा नरेंद्र हाय मेरा नरेंद्र मैसेज में आता कहती हूँ कि घबराइए नहीं रेखा जी देखिए मेरा बेटा भी तो है लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है ठहरिए रिक्शा लेकर चलते हैं देर सचमुच काफ़ी हो गई है जल्दी से आप आइए तब तक मैं रिक्शा बुलाती हूँ रेखा रिक्शा बुलाने के लिए पीछे की ओर मुड़ती है तब तक सामने देखकर खुशी से चीख पड़ती है रेखा कहती है आ गए आ गए बच्चे बहन बच्चे देखिए मसेज मेहता मसेज मेहता कहती हैं सच अरे हाँ पर दोनों के साथ ये पुलिस इंस्पेक्टर भारी बूट की आवाज़ के साथ इंस्पेक्टर आता है तो इंस्पेक्टर कहता है भारी आवाज़ में मिस्टर मेहता का घर यह है तो मैसेज मेहता जी जी हाँ कहिए ये बच्चा आपको कहाँ मिले इंस्पेक्टर अजय की और संकेत करके कि बच्चा आपका है तो मैसेज मेहता कहती हैं जी हाँ अजय है इसका नाम क्या किया इसने तो इंस्पेक्टर कहता है कि आज तो इसने वो शाबासी का काम किया है कि आप सुनेंगी तो गर्व से झूम उठेंगी मैसेज में था क्या मैं तो इस पर नाराज़ हो रही थी कि समय से घर नहीं लौटा ऐसा तो इंस्पेक्टर कहता है हंसकर आज अजय ने अपने इस दोस्त क्या नाम है इसका नरेंद्र की जान बचाई है और एक बड़े गिरोह के सरदार को इसने पकड़वाया है तो मैसेज में आता ओ कैसे इंस्पेक्टर साहब वो कैसे इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर कहता है कि अब ये सब तो आप खुद अजय से सुनिए तो हाँ सुना दो बेटे अजय कहती मम्मी आज मैंने टीचर से जल्दी छुट्टी मांग ली कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है पर बाहर आया तो देखता है क्या मिल क्या मिला कि फाटक पर एक आदमी पचास पैसे में तीन लॉलीपॉप बेच रहा था मैंने नरेंद्र को मना किया पर यह इतने सस्ते लॉलीपॉप सुनकर अपने को रोक ही नहीं पाया और चला गया सांस लेने को रुकता है फिर तो रेखा तभी कहती है फिर अजय कहता है फिर आंटी मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और सब ओर से सुनसान हो गया था तब दूर पर मुझे कुछ सरसराहट मालूम हुई इसके पहले मेरे एक दोस्त ने बताया था कि नरेंद्र आम के बगीचे की तरफ लॉलीपॉप वाले से छुट्टे पैसे लेने गया है तो रेखा तभी कहती है तो फिर तूने क्या किया बेटे आया कहता है मैं छुपते छुपते दबे पाँव बगीचे में गया तो नरेंद्र का बैग पड़ा मिला वहाँ पर देखकर मैं हैरान रह गया मुझे शक हुआ तभी देखा तो दूर पर वही आदमी एक बड़ा सा थैला पीठ पर रखे काली भूरी चेक की चादर ओढ़े चला जा रहा था मम्मी मुझे तुम्हारी सुनाई उन बदमाशों की कहानियाँ याद हुईं जो बच्चों को उठा कर ले जाते हैं और रास्ता सुनसान था इसलिए मैं चुपचाप उसके काफ़ी पीछे बिना आवाज़ किए चलता रहा आगे क्या हुआ तो फिर मैसेज मेहता कहती हैं फिर अजय अजय कहता है कि चलते चलते मेरे पैर बिल्कुल थक गए तभी वह आदमी अचानक एक सुनसान पतली सड़क पर मुड़ गया मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। तभी देखा तो सीधी सड़क पर कुछ दूर पर पुलिस स्टेशन की लाल इमारत दिखाई दी मुझे मैं समझ गया कि तभी यह आदमी सकरी सड़क पर जा रहा है क्योंकि वह अजय को किडनैप करके ले जा रहा था और मुड़ गया मेरा शक पक्का हो गया मैं पूरी तेज़ी से दौड़ा और इंस्पेक्टर साहब हाँपने लगा हाँपते हाँपते इंस्पेक्टर साहब को यहाँ पहुँचा तो इंस्पेक्टर कहने लगा वाह आज बेटे वाह सुना आपने मैसेज में, में था देखा आजय मेरे बेटे आज तू ना होता तो नरेंद्र का क्या हाल होता जब वह नरेंद्र को किडनेप करके ले जा रहा था तो पीछे पीछे जाता है और उसको जब शक बोलता है उस लॉलीपॉप वाले तो वह तुरंत ही इंस्पेक्टर या थाने में जाता है और शिकायत करता है तब सिस्की सिस्की सी लेते हुए मैसेज मेहता कहती हैं हंसकर अरे तो दोस्त होकर इतना भी ना करता रेखा बैन फिर दोस्ती का मतलब ही क्या रहा अगर मुसीबत में दोस्त दोस्त के काम ना आए तो किस काम का तभी रेखा कहती है नहीं आज मैं अपने साथ इसे बाजार ले जाऊंगी अजय को और इसे इसके मन का शानदार इनाम खरीदूंगी इंस्पेक्टर शानदार इनाम तो अजय को प्रधानमंत्री से मिलेगा अर्थात उसने जो बहादुरी का कार्य किया उसका इनाम तो उसे अवश्य मिलेगा सब एक साथ क्या इंस्पेक्टर जी हाँ हर साल हमारी सरकार देश के बहादुर बच्चों को उनके साहसिक कार्य के लिए पुरस्कार देती है इस बार अजय का नाम उनमें होगा अच्छा तो आज्ञा दीजिए आओ अजय बेटे एक बार फिर से फिर पीठ ठोक दूँ तुम्हारी अजय थैंक यू इंस्पेक्टर साहब अभी तो आपकी पहली बार की ठोकी हुई ही मेरी पीठ दर्द कर रही है मैसेज में तब प्यार से जब सब हंसते हैं तो ये पाठ जो है सूर्य बालाजी ने लिखा है जो कि सस्ते के चक्कर में व्यक्ति लोभ आदि में पढ़ कर के कहाँ कहाँ पहुँच जाता है और उसके साथ क्या गठित होता है इस सब के बारे में बताया गया है आइए चलते हैं कुछ शब्दार्थ जो कि महत्वपूर्ण है लट की वरी में सोता है नाटकीय ढंग की आवाज़ बनावटी आवाज़ कह सकते हैं चूरण में सोता है खट्टे मीठे पदार्थों का खाने योग्य चूर्ण तबीयत में स्वास्थ्य मशक्कत मशक्कत में मेहनत सामत सामत में होती है आफत मुसीबत जलसा में सोता है समारोह आई होप आपकी समझ में आया होगा चलते हैं प्रश्नों की ओर पाठ से कि नरेंद्र के सारे पैसे खत्म क्यों हो गए क्वेश्चन नंबर एक अजय ने नरेंद्र को क्या और क्यों समझाया क्वेश्चन नंबर थ्री अजय के अन्य दोस्तों ने नरेंद्र के बारे में क्या कहा और क्यों कहा नेक्स्ट है क्या होता अगर नरेंद्र के पास फीस के पैसे ना होते है ना क्या होता अगर नरेंद्र के पास फीस के पैसे ना होते तो दूसरा अगर नरेंद्र अजय की यह बात मान लेता कि इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं तो क्या होता तीसरा है अगर अजय तीसरे लड़के की यह बात मान लेता कि अरे तू घर जा नरेंद्र को जानता नहीं तब क्या होता नेक्स्ट है अगर नरेंद्र की मुलाकात छुट्टी के बाद अजय से नहीं होती तो क्या होता तीसरा है विश्वास और डर कि नरेंद्र जरा शरारती है ना इसी से डर लग रहा है नरेंद्र की माँ रेखा अजय की माँ से ऐसा क्यों कहती है नेक्स्ट है नरेंद्र में ऐसा कौन सा गुण होता जिससे उसकी माँ नहीं डरती और अजय की माँ से यह नहीं कहती कि नरेंद्र जरा शरारती है घबराइए नहीं रेखा जी देखिए मेरा बेटा भी तो है लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है नेक्स्ट है अजय की माँ नरेंद्र की माँ से ऐसा क्यों कहती है तो आई होप ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपकी समझ में आए होंगे और आप इनके आंसर भी दे रहे होंगे तो नेक्स्ट जो है सैर सपाटा खेल तमाशा अर्थात पढ़ने लिखने या अन्य काम करने के लिए भी अच्छे स्वास्थ्य का होना ज़रूरी है कि जैसा कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया अर्थात जब व्यक्ति स्वस्थ एवं सुखी या उसका शरीर जो है स्वस्थ होता है तो वह है सब कुछ कार्य कर सकता है इसलिए लोग सैर सपाटा और खेल तमाशे पर भी ध्यान देते हैं अर्थात व्यक्ति के जीवन में जो खेल हैं वे अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं अब तुम बताओ कि तुम या तुम्हारे दोस्त सैड सपाटी के लिए क्या क्या करते हैं नेक्स्ट है तुमने अब तक जिन जिन खेल तमाशों में भाग लिया या उसे देखा या उसकी सूची बनाइए नेक्स्ट है।, है बनाना कैसे कि मैंने सोचा मम्मी तो रोज मुझे चाय नाश्ता कराती हैं आज मैं घर पहुँच उन्हें चाय बना कर ऐसा वह बनाता है तो ऊपर के वाक्य और बताओ कि क्या क्या तुम चाय बनाना जानते हो और क्या क्या बनाना जानते हो यह बताइए नेक्स्ट है अगर तुम अपने खाने पीने की कोई भी चीज़ बनाना नहीं जानते तो तुम्हें जो चीज़ सबसे अधिक पसंद हो उसको बनाना सीखो और उसकी विधि लिखकर बताइए नेक्स्ट है प्रश्न ये पता करो तालका जो नीचे दी गई है उसमें खाने की उन चीज़ों में से कौन से पोषक तत्व होते हैं उन्हें बताओ पालक में कौन सा पोषक तत्व होता है जैसे आयोडीन मिलता है पालक में है ना और अन्य विटामिन भी मिलती हैं गाजर में विटामिन सी होती है ऐसे ही दूध संतरा और दालें आदि में कौन कौन सी विटामिन होती हैं कौन कौन से पोषक तत्व तो पाए जाते हैं बात करते हैं अगर मुहावरों की तो मुहावरा जो कि वाक्य इसमें कुछ आए तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें उपयुक्त मुहावरे भरने से ही वह पूरा हो सकता है उन्हें पूरा करने के लिए मुहावरे भी दिए गए हैं तुम सही मुहावरों से वाक्य पूरे कीजिए तो आग बबूला होना सबसे पहला मुहावरा है आग बबूला होना आग बबूला होना का मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना तो अब इन मुहावरे जो हैं उनके जो अर्थ समझने हैं लेकिन एज एट जैसे मुहावरे दिए हैं इन वाक्यों में इनका इनका प्रयोग करना होता है तो आग बबूला होना अब देखते हैं इसका प्रयोग कौन से वाक्य में सटीक बैठता है कि चोर खाली जगह घर में घुसा आया तो चोर है जो किस प्रकार से घर में घुसा आया दबे पाँव तो सबसे पहला है जो है यह आएगा दबे पाँव क्या पहले में क्या आएगा दबे पाँव चोर दबे पाँव दबे पाँव का मतलब होता है चुपचाप से चुपचाप से या दबे पाँव पाँ। नेक्स्ट है देर से आने पर मम्मी खाली जगह गई तो इसमें देखेंगे आग बबूला होना सख पकाना दबे पाँव तो हो गया सामत आना पीठ ठोकना तो देर से आने पर मम्मी क्या देर से आने पर मम्मी शक पका गई क्या, क्या कैसी गई शक पका गई नेक्स्ट है दूसरा इसमें आएगा तीसरा सरसराहट की आवाज़ सुनकर अजय अजय कैसा हो गया सरसराहट की आवाज़ सुनकर अजय आग बबूला हो गया शक पका गया दबे पाऊ गया सामत आई सामत आई पीठ ठोकना तो सरसराट की आवाज़ सुनकर जो अजय था वह दबे पाँव उनके पीछे गया था नेक्स्ट है उदम मचाने पर बच्चों की खाली जगह होती है क्या सामत आना तो उदम मचाने पर बच्चों की क्या है सामत आई समझो नेक्स्ट है नरेंद्र की जान बचाने पर उसकी मम्मी ने अजय की क्या हुआ पीठ ठोकी क्या पीठ ठोकी और इसमें यह भी आ सकता है कि उद्यम अचानक पर बच्चों की क्या सहमत आई समझो नेक्स्ट है तुम्हारा स्कूल, आइए चलते हैं इस पर समझते हैं कि तुम्हारे स्कूल में जो भी गतिविधि कराई जाती है वह इस तालिका में हो तो उसके सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए नाटक होता है तुम्हारे स्कूल में हाँ या ना होता है खेलकूद हाँ गीत संगीत हाँ नृत्य हाँ चित्रकला यस तो इन सभी पर आपको टिक करना है तो आई होप आपकी समझ में यह पाठ अच्छी तरह से आया हो या आ गया है मैं समझता हूँ अगर फिर भी कोई भी डाउट अगर मन में आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और सो गाइस धन्यवाद और अपने मित्रों को जो कि हिंदी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उनको चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद